अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर विकीज वर्ल्ड। आज हमारा एक स्पेशल टूर है, पता नहीं अननोन प्लेसेस का है, कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो हम मानसेरा एबटाबाद मोटरवे पे हैं। उसामा क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से है? आज हमने अनप्लान टूर किया है डॉक्टर साहब के साथ, तो अब जाते हैं कि देख रहे हैं कि ये कहाँ लेके जाएगा हमें। देखते हैं। सलाम, हाउ आर यू? यार बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम अचानक आए हैं। अनप्लान टूर जो है ना, जिंदगी का हमेशा सबसे खूबसूरत टूर होता है। ए फजली यार, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। क्या कर रहा है ना? आहा, बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना? बिल्कुल। सर जी वो पानी वाला है? पानी वाला है ना? कितने का? कितने का? ये नहीं निकलेगा पानी, 500 का एक। सारा कवा यार। अच्छा एक दो हम सारे पियेंगे, बस एक दो। इसमें जिंदगी जो होगा या नहीं होगा ना, 100 रुपए चंदा आपने देगा, सही इनको बता दे तो एडवांस में। जो चीज हो ये भाई हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मौली साहब, मौली साहब मैंने कहा कि जो चीज हम लेंगे उसका चंदा अमेरिकन चंदा होगा बराबर। नहीं नहीं, जो कहेगा वो खुद देगा। चंदा होगा बराबर, अमेरिका से चंदा होगा। ये भी हम आपको अपना राजपाल यादव दिखाते हैं, जरा लगा ना। बताओ ये कौन सा नाम है? जो भी बालाकोट इस रास्ते से जाए तो ये नारियल। हाँ भाई, ये कौन सी जगह है? बखरियाल सिटी। अच्छा सही है, ये जब भी कोई बालाकोट जाए यहाँ से तो ये जरूर पिए, बहुत ही जबरदस्त है। ये मौली पी रहे हैं, मजा आया ना मौली? हाँ जबरदस्त। तू अपना बटवा उठा, सही है ना? तेरा बटवा तो इसमें तू रखा हुआ है या नहीं हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपने पैसे पूरे देगा, सही है? 100 रुपया आता तेरे हिस्से में। लेकिन इसके पैसे मैं नहीं दूंगा, ये तुम लोगों ने पिए। हम जिम्मेदार नहीं, हम पिए हैं ना, फिर तू पैसे देगा पूरे। तुमने यहाँ से सीट छोड़ी ना तो ये लोग आगे बैठ जाएंगे, इसलिए ये नहीं उतर रहा गाड़ी से। इमरान खान गाड़ी से नहीं उतरेगा, ठीक है ना? नहीं, रास्ते में सारों को आके बैठने का मौका दिया जाए। हाँ, दिया जाएगा सबसे पहले। नहीं, जो पहले बैठ गया। अब मैं तो मजबूरी है कि तुम लोगों में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती ना, तो मेरी तो मजबूरी है ना आगे बैठो। अभी हम बालाकोट बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और ये रास्ते पे एक बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे हम चाय पियेंगे। कौन सा कैफे? कैफे बार बिस्ट्रो। सही है, कैफे बार बिस्ट्रो जो भी है। अब ये नुमान अपनी सीट संभालते हुए चाबी मुझसे ले लिया ताकि कोई और आगे ना बैठे। आजा नुमान, मुझे चाय बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है, तुझे पसंद है ना? तुझे पसंद है, ये तुझे पसंद है? मुझे बहुत पसंद, मुझे चाय बहुत पसंद, चाय बहुत पसंद है। निकलते हैं हम बालाकोट के। ये अपनी जगह जो है ना, ये देखें एडवांस में संभाल के बैठा है, कोई और आगे ना बैठ जाए। इसको हटा बेचारे। चलो जी, बालाकोट पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। बालाकोट पहुंच चुके हैं। कितना रहता है मौली? अभी बालाकोट के अंदर हम कह रहे हैं, बालाकोट स्टार्ट हो गया। ये कौन सा दरिया है? ये बालाकोट है, दरिया कुनहार। दरिया कुनहार है? ये दरिया कुनहार आ रहा है। ये दरिया कुनहार है, ठीक है। कार साहब किधर है अभी इस टाइम? बस अभी हम जो है वो मेन बालाकोट सिटी में है। ये बालाकोट का बाजार है,
बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे व्यू है, देख सकते हैं। और मौसम मौसम जबरदस्त, ये अरसलान नुमान जो है ना पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सा बाजार है जिसमे आपको हर चीज मिल सकती है। और ये बिल्कुल हर दिशा जा रहा है, अच्छी जगह है। तो मैं क्या इसको काट दे सो अभी जी हम केवाई पहुंच चुके हैं और अरसलान जो है उसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया है। अरसलान चाहता है कि हम थोड़ा सा आगे जाएं। ये अचानक इनका ये जिस तरह इस यहाँ का मौसम है ना, अचानक बारिश होती है फिर नहीं होती। जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, जा रहे हैं। यार एक 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 दफा पूरे पाकिस्तान में देखा करो ना। हाँ सही कह रहे हैं, दोनों गए यहाँ से एक और दिन को ला रहा हूँ ना। हम कहान आ पहुंच चुके हैं। असलम थोड़ा सा गुस्सा है, बाद में बात करेंगे। मतलब मीना कैसा लग रहा है यार, मौसम कैसा है यहाँ का? और ये बंदा अपनी बस स्नैप्स में हमेशा बिजी रहेगा। लाओ ना हो क्या हिसाब है? ये 5 आम तो लो ना, मजे मजे के। हाँ ये सही है। मौसम कैसा है यार? कमाल का, वो देर पर सामने सिर्फ व्यू, स्नोफॉल स्नोफॉल पे हुई हुई है। ये कहान है, कहान है ना ये कहान। जब भी आप लोग आए ये जरूर जबरदस्त से मैंगो खाएं, यहाँ पे आला किस्म के मीठे मीठे। अच्छा मौली, ये गालिब को क्यों आम पसंद है यार? अरसलान बताओ गालिब को क्यों आम पसंद है? इस वजह से, क्योंकि गालिब सही। अभी ये फिर से वही गंदी जबान तेरी यहाँ पे भी स्टार्ट है। पेशावर वाली मर्दान वाली तो जबान यहाँ पे लेके आया है, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। चुप शा ठीक है। यार ये बहुत जबरदस्त जगह है यार। यहाँ पे अभी हम चाय पीने वाले हैं और साथ में उसामा क्या खाएंगे? पकोड़े, पकोड़ों का पूरा ट्रे। तो इस टाइम जी हम हैं कागान वैली में और ये है कागान बाजार। अभी हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी है असर की। यहाँ पे अभी हम ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ खाएं, थोड़ी सी भूख लगी है। चलो जी मजे के हैं, आ जाओ। हम खुद यहाँ पे अपना जो है ना वो एक नमन क्या लेंगे? क्या खाते हैं? मुझे एक सूप चाहिए, मैं सूप पीता हूँ। क्या सूप पीता हूँ? और हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है? नारान इंशाल्लाह। शाम की नमाज हम नारान में, शाम की इंशाल्लाह मगरिब की नमाज जो है वो हम नारान में पढ़ेंगे। अभी तक स्नोफॉल, ये जो स्नोफॉल हुई थी बहुत ही प्यारा यहाँ पे व्यू आ रहा है। झील सैफ अल मलूक को एक्सप्लोर करें, इरादा तो है। हम अभी पहुंच चुके हैं नारान और नारान का मेन बाजार है। अब जो मेन इशू है हम दोनों का वो ये है कि हम आए थे एबटाबाद तक,
और अभी हम पहुंच चुके हैं दहरान और ना ही हमारे पास कोई स्वेटर है ना ही कोट है और 25 मिलना भी बस सही है। ले ले, ले, ले। अभी जाते हैं कुछ लेते हैं यार पहनने के लिए, बहुत सख्त सर्दी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी है। रूम हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी, मुँह में आ गई है, फट गई है और ये सब रूम ले लिया है। और मौली साहब अच्छा रूम था, जबरदस्त ये रूम, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, सही मैं आता हूँ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, ठीक है आप करा लो करा लो। हाँ मैं लाया था, ठीक है ना, अभी मेरे लिए मेरी बात सुनना, अभी इस तरह करते हैं कि मैं हमारे लिए कुछ लेते भी हैं ताकि हम पहने, इस तरह करते हैं ना, अभी कोई खाने की जगह ढूंढ यार सबसे पहले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आओ ना चलते ना आगे, हाँ ऊपर चलते हैं, बेहतरीन जगह ढूंढते हैं खाने के लिए यार, खाना खाएंगे सुबह। हाँ खा रही है, बट कढ़ाई नहीं खाते, बट भी है ऑप्शन में, मून रेस्टोरेंट भी ऑप्शन में है। हाँ और एक और भी देखते हैं, कौन सा आगे एक और है, मुझे भी नाम भूला हुआ है, फिर डिसाइड करते हैं। नहीं वो तो डिसाइड करते हैं, बट यार मेरा दिल कर रहा है बट में मक्खनी खाए यार। यार बिल्कुल ओए, तो हम अभी हैं बट कढ़ाई नारान फसलेमिन, क्या खाने का मूड है तेरा, तू सुन लगी है ज्यादा काफी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हां बहुत ठंड है, नहीं इस तरह करते मेरी बात सुन ना, खाना क्या है, मेरे को फिश का थे, और जो भी हो जो भी हो लेकिन जल्दी हो, ठीक है ना। ले ली चीजें, चार बनाए चीजें ले लिए, ये कैब कहाँ से लिए तूने, कैब मेरी अपने शौकत खानम की। मौली साहब मेरी बात सुन, सीधे झील सेवल मलूक की बात बाद में है ना, ये आखिरी है ना अभी, हम चाय पी रहे हैं ना। हाँ हाँ मटका चाय, मटका चाय मौली का स्टाइल। ये कौन सी शॉप है, ये लालाजार होटल के सामने। हाँ ये लालाजार होटल के बिल्कुल सामने, हाँ बहुत ही जबरदस्त मटका चाय, कुछ उठा के लाए नहीं है तो अब चाय ही पिएंगे ना। हाँ कुछ उठा के लाए, क्या उठाना था यार, कोई जैकेट वैकेट लेते, अब अनप्लान है नाराज की तरफ, तो अब चाय पी के गुजारा करेंगे। सही है यार, वो कार इस तरह करते हैं नुमान भाई, अरे मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, चाय पर भी है यार, कहाँ चाय। अच्छा बस चाय बन रही है ना, तो क्या प्लान है आपका, कैमरे में देख के बताइए। मैं क्या देख रहा हूँ ना, ये आएगा तो क्या क्या कहाँ देख रहे हो। अच्छा ये लोग, ये दोनों ना, ये दोनों मौलवी के पीछे नमाज पढ़ के आए हैं और मौलवी का अपना वजू नहीं था, इसलिए हमने अलहदा पढ़ी थी। और मौलवी निकलेस का देखते हैं सफर का, ये ना मौलवी का जो भी हो इसको वजू है पर इसको पता नहीं है, तो नहीं है पता नहीं है, निकल गई शुक्र हवा निकल गई, शुक्र हमने लदा पड़ी थी ना। हां शुक्र हमने लदा पड़ ली थी, ये जाने अल्लाह ताला जाने परते तो और उसने टिकट पता नहीं। अच्छा मौलवी साहब क्या मसला हुआ जमात पे यार, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो आपने क्यों कहा इनको कि दोबारा आप पढ़ लें, मैंने क्या मतलब होता है कि वजू में कोई शक पक था आपका, चलो सही है, नमाज पढ़ो मगरिब और इशा की, इसलिए हमने तेरे पीछे नहीं पढ़ी थी, हमने अलहदा पढ़ी थी नमाज, नमाज और मैंने नहीं, ठीक है ना, पता हम अलहदा नमाज पढ़ी थी, फरिश्ते जाना अल्लाह ताला जाना, नहीं हमने तुम्हारे पीछे पढ़ी है।